मुझे माफ कर दो आदिया, मैंने अपने साथ साथ तुम्हारी और अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। सोहेब भी, तुम क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं अपने हाथ नीचे नहीं करूंगा। तुम्हें नहीं पता मैं कितना बेचैन हुआ हूँ, मैं रात को सो नहीं सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं लगता है मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। प्लीज, इस गुनाह ने मेरे दिल का सुकून छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। सोहेब, मैंने तुम्हें माफ किया, प्लीज हाथ नीचे कर लो। मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब बहुत पछता रहा हूं। इसी में ठीक कहा है, कभी कभी इंसान जिंदगी में ऐसी गलतियां कर देता है जिसका पछतावा उसको ओवर भर देता है, उसको कभी बदल नहीं सकता। काश तो उस दिन उस पर यकीन कर देते। एटलीस्ट इतनी जल्दी मुझे तलाक ना देते, सुहेब सफाई का एक मौका तो देते। मगर तुमने तो मेरी एक बात नहीं सुनी। तुम्हारी अगली आंखें तो जैसे बंद हो चुकी थी, तुमने सारा की आंखों से सब कुछ देखा, उसके कानों से सुना और उसने जो कुछ चाहा तुमने। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। गलती को सुधारा भी जा सकता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? जो तुम समझ रहे हो आदित्य,